आज मैं आपको इस प्रकार का जो गीजर है जिसके अंदर आपको अलग प्रकार का ऑटो कटअप मिलता है, जिसके अंदर चार पॉइंट मिलते हैं और एक अलग प्रकार का आपको थर्मोस्टेट मिलता है, इसका यहाँ पे मैं आपको वायरिंग बताने वाला हूँ कि आप इसकी वायरिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल और डायग्राम दोनों के द्वारा बताने वाला हूँ, जिससे कि आप इसकी वायरिंग को आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इस गीजर को देख सकते हैं, ये एक ऊषा कंपनी का गीजर है जिसके अंदर अलग प्रकार का ऑटो कट ऑफ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टोटल चार पॉइंट है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है वो भी अलग प्रकार का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसकी वायरिंग यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताने वाला हूँ। सबसे पहले यदि आप प्रैक्टिकल के द्वारा सीखना चाहते तो यहाँ पे आप इस वीडियो को ध्यान से रोक रोक के सीख सकते हैं, और यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो यहाँ पे आप इस पेज को देख सकते हैं जिसका मैंने डायग्राम बनाया है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड वायर यहाँ पे आपका जो ऑटो कटअप है उसके अंदर जाता है, फिर यहाँ पे एल के अंदर एक वायर लगाया और एल का जो वायर है उसको एन के अंदर लगाया, उसके बाद यहाँ पे जो ओ एन और ओ एल एन दोनों को एक करके इसका जो वायर है उसको हम थर्मोस्टेट के अंदर लेके गए, और थर्मोस्टेट का जो ब्लैक वायर है उसको हम कॉइल के अंदर लेके गए, और इसके बाद हमारे पास जो ब्लैक वायर मेन वायर है उसको हमने डायरेक्ट कॉइल से लगाया। मतलब दूसरी जो वायरिंग है जो कि आप दूसरे गीजर के अंदर करते हैं वही है, परंतु यहाँ पे आपको जो ऑटो कट ऑफ है उसकी वायरिंग समझ नहीं आती तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं और आप आसानी से इस वायरिंग को कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।